जो राहुल गांधी को मैं समझता हूँ, सबसे पहले बात कि मोदी जी हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा किसी से डरते हैं उसका नाम है राहुल गांधी। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जो रिस्पॉन्स मिला है राहुल गांधी को, उसमें भाजपा और ये पूरा संघीय दल जो है ये लोग पूरा बौखला गए, कहीं सत्ता ना पलट जाए 2024 में। तो इसके लिए अब क्या करें, ये छोटी मोटी चीज़ें जो राहुल गांधी जो सच्चाई बयान किया, अब उनके इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि तुमने जो बताया उसका डेटा दो। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि मैं सब इन्फॉर्मेशन दूंगा, मुझे वक्त जो कितना यौन शोषण होती है, कितना महिला के ऊपर हिंदुस्तान में दुर्व्यवहार होता है, मतलब कितना कुछ होता है। लेकिन इन लोग राहुल गांधी के ऊपर इसीलिए पड़े हुए क्योंकि उनको डर है कि किस तरीके से राहुल गांधी को दबाओ, राहुल गांधी को डराओ। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई उसका नाम राहुल गांधी है, वो शहादत देखा अपने घर में, उसका घर वाला कि देश के लिए शहीद हुआ है, तो तुम्हारा ये झूठ से, तुम्हारा ये ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से, राहुल गांधी तो डरने वाला नहीं है, कुछ और लोग हो सकते हैं। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे इंसान है। देखिए देश में प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आप जाहिल प्रधानमंत्री बनाएंगे तो वैसे ही उल्टा सीधा होगा, जो मर्जी चाहेंगे। हिंदुस्तान में अभी क्या हो रहा है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर है वो फॉरेन मिनिस्टर का काम करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर का काम करते हैं, जो होम मिनिस्टर है वो जाके आपका आईटी का काम करते, आईटी मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर का काम कर। बात असल में ये है कि राहुल गांधी से लोग बौखलाए हुए, राहुल गांधी से डरे हुए। एक होता है कि पार्टी का बहुत बड़ा बड़ा नेता है, यहाँ पे तो पार्टी को तो छोड़िए, राहुल गांधी एक इंसान से लोग डरे हुए कि राहुल गांधी को किसी से दबाव। हालांकि आप देखिए हिंदुस्तान में बहुत सेकुलर पार्टी है जो खुद को सेकुलर कहती है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हम उन लोगों को बोलेंगे, जो इलेक्शन में राहुल गांधी से खुद को जोड़ना नहीं चाहते, खुद को दूर रखते हैं, अलायंस बनाएंगे तो बोलते कि नहीं राहुल गांधी के साथ नहीं बनाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं बनाएंगे। लेकिन देखिए राहुल गांधी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सच, राहुल गांधी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि सच बोलकर हम इलेक्शन हारने के लिए तैयार है लेकिन झूठ बोलकर जीतना नहीं चाहते। ऐसा नहीं, ऐसा क्या गांधी फैमिली का, आप राहुल गांधी को अगर सीरियस, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी ये सोचती है कि राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है तो शुक्र मनाओ कि बिना सीरियस होकर राजस्थान जीत गया था, मध्य प्रदेश जीत गया था, छत्तीसगढ़ जीत गया था, कर्नाटक जीत गया था। तो मत बोलो, अगर सीरियस होगा तो तुम लोग कहीं के रहोगे नहीं, शुक्र मनाओ कि अगर तुम्हारे नज़र में वो सीरियस नहीं है तो रहने दो ऐसा ही। अगर सीरियस उसको कर दोगे तो तुम कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं एक सीट तुम्हें नहीं मिलेगी। राहुल गांधी जब आज गाड़ी से आए तो लोगों ने कहा कि राहुल गांधी है, सावरकर नाम नहीं है, गांधी उसका नाम है। तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी सच में कुछ, मतलब कि अब जो है बोलना कम करेंगे या सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? ज़्यादा बोलेंगे अब राहुल गांधी, ज़्यादा बोलेंगे। देखिए कोई चीज़ को तुम जितना दबाओगे उसके बाद जब छोड़ोगे ना तो ज़्यादा उसका असर ज़्यादा होता है। और राहुल गांधी उनका नाम है, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि साधारण पब्लिक नहीं है, पत्रकार बहुत है, तुम सबको खरीद लिए, रविश कुमार को खरीद नहीं पाए, वैसे ही बहुत नेता है, तुम सबको खरीद लोगे, राहुल गांधी को नहीं खरीद पाओगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। देश भर में जिस तरह से राहुल गांधी के एक बयान के बाद पूरा वावीला मचा हुआ है, तो आज राहुल गांधी से पूछताछ करने दिल्ली पुलिस जो है कांग्रेस कार्यालय पहुंचती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि दिल्ली पुलिस जो है, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था और श्रीनगर में राहुल गांधी ने कहा था कि कई सारी महिलाएं उनसे मिलने आई है, और जिस वजह से महिलाओं ने उनसे कहा है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है या घरेलू जो है हिंसाएं हुई है, उसको लेकर जो है सारी महिलाएं मिली, और श्रीनगर में राहुल गांधी ने यह भाषण भी दिया था। अब सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस पहुंचती है और दिल्ली पुलिस कहती है कि क्या, किन महिलाओं ने आपसे यह बात कही, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। 16 मार्च को सिलसिला शुरू होता है, फिर उसके बाद आज जो है कि संडे के रोज यानी छुट्टी के रोज दिल्ली पुलिस के जो है स्पेशल टीम पहुंचती है और राहुल गांधी से पूछताछ करती है। राहुल गांधी कहते हैं कि अब जो है मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, मगर सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो कहा उस पर कितना जो है राहुल गांधी की बात को पकड़ा जा रहा है और कितना जो है ऑपोजिशन की आवाज को दबाया जा रहा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जेपीसी के मुद्दे पर लगातार जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं और राहुल गांधी के सवालों को लगातार अलग दिशा में कर रही है, तो कांग्रेस ने ये कह दिया है कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची है वो कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि स्वाति मालेवाल जो दिल्ली महिला कमीशन की चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि उनके साथ भी उनके फादर ने यौन शोषण किया था और तकरीबन 2000 से ज्यादा मामला जो है दिल्ली में रजिस्टर्ड हुए यौन शोषण के, जिसमें तकरीबन 1000 लोगों ने कार्रवाई के लिए जो है डिमांड की तो 1000 लोगों ने अपनी जो है वारदातें नहीं की। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक महिला को दिल्ली के नेशनल कैपिटल में जो है घसीट कर मारा जाता है, मगर भाजपा से सवाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में कहते हैं कि 50 दिनों बाद जो है मुझे सड़क पर जिंदा जला दीजिएगा अगर नोटबंदी फेल हुआ, उस पर सवाल नहीं हुआ। 2014 में गृह मंत्री ने कहा 15 लाख रुपया मिलेगा, उस पर सवाल नहीं होगा। ये तमाम तरह की चीज है और उस पर जो है राहुल गांधी से सवाल है। राहुल गांधी खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए आए और कहा कि हम जो है
इस पर जवाब देंगे, बात करेंगे, हमें कुछ समय चाहिए। मकबूल ये बताइए कि राहुल गांधी से ही सवाल क्यों हो रहा है, मतलब जेपीसी की डिमांड चल रही है तो जेपीसी की डिमांड हो ना, राहुल गांधी से क्यों हो रहा है? और कौन इस बात को गलत कह सकता है कि भारत में यौन शोषण नहीं होता? हर घर में, हर 10 घर में तकरीबन 2 ऐसे घर है जहां पर यौन शोषण के मामलात है, या हो सकता है कि घरेलू हिंसाएं होती है, कभी पतीले से मारा जाता है, कभी बेलन से औरत को मारा जाता है, तो राहुल गांधी ने तो कुछ गलत नहीं ना कह दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एक देश का आम नागरिक होने के नाते जो मैं थोड़ी बहुत राजनीति समझता हूँ और जो राहुल गांधी को मैं समझता हूँ, सबसे पहले बात कि मोदी जी हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा किसी से डरते हैं उसका नाम है राहुल गांधी। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जो रिस्पॉन्स मिला राहुल गांधी को, उसमें भाजपा और ये पूरा संघी दल जो है ये लोग पूरा बौखला गए, कहीं सत्ता ना पलट जाए 2024 में। तो इसके लिए अब क्या करें, ये छोटी मोटी चीज़ें जो राहुल गांधी जो सच्चाई है, जो सच्चाई बयान किया, अब उनके इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि तुमने जो बताया उसका डेटा दो। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि मैं सब इन्फॉर्मेशन दूंगा, मुझे वक्त दो, लेकिन वक्त नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के खिलाफ तुम्हारी जो संस्था है, जो पुलिस है, जो सब इतना एक्टिव हो जाती है, उनके घर तक पहुंच जाती है बिना, मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली में जब पुलिस कुछ कार्रवाई करती है वो होम मिनिस्टर अमित शाह के बिना होती होगी। ऊपर राहुल गांधी जो सेंट्रल लीडर है, अजय मिश्रा टेनी का लड़का जब एक किसान के ऊपर अपना गाड़ी चढ़ा देता है, मौत हो जाती है किसानों के ऊपर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो दिल्ली में कुलदीप सिंह सेंगर जो उसका विधायक एमएलए रेपिस्ट रहता है उत्तर प्रदेश में, उसके 2 साल बाद उसको निकाला जाता है। उसके बाद आए दिन हिंदुस्तान में रेप होते रहता है, लड़की के ऊपर यौन शोषण होते, वो सब के ऊपर हाथरस होने के ना कितने हाथरस के केस में तो ऐसा हुआ कि सिद्दीक कपन को जेल में रख दिया 2 साल तक, जो बंदा रिपोर्टिंग करने गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो सबको पता है कि जो कितना यौन शोषण होती है, कितना महिला के ऊपर हिंदुस्तान में दुर्व्यवहार होता है, मतलब कितना कुछ होता है, लेकिन इन लोग राहुल गांधी के ऊपर इसीलिए पड़े हुए क्योंकि उनको डर है कि किस तरीके से राहुल गांधी को दबाओ, राहुल गांधी को डराओ। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, उसका नाम राहुल गांधी है, वो शहादत देखा अपने घर में, उसका घर वाला कि देश के लिए शहीद हुआ है, तो तुम्हारा ये झूठ से, तुम्हारा ये ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से, राहुल गांधी तो डरने वाला नहीं है। कुछ और लोग हो सकते हैं डर जाएंगे, कुछ सेकुलर पार्टी का लीडर हो सकते हैं, कुछ सेकुलर पार्टी का जो मेन लीडर है, जो चीफ है, वो आपसे हाथ मिला के अलायंस कर लेंगे, आपका सामने झुक जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी का भी होने वाले नहीं है। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इवन कांग्रेस का नेता हो सकते डर जाए, झुक जाए, बीजेपी के पास चले, ऑलरेडी बहुत सारे नेता चले गए, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा बंदा है वो कभी बीजेपी के सामने तो झुकेंगे नहीं। आपको याद होगा कोरोना का टाइम में राहुल गांधी ने बोला था कि बहुत इमरजेंसी आने वाला हिंदुस्तान में, इन लोगों ने मजाक उड़ाया था, बोला था कोई ऐसा इमरजेंसी का सिचुएशन हिंदुस्तान में नहीं है, उनको बकने दीजिए, लेकिन उसके बाद उनका बात सच हुआ। राहुल गांधी ने कहा था कि ये किसान बिल जो है ये मोदी जी को वापस लेना होगा, बिल वापस हुआ। तो राहुल गांधी एक पढ़े लिखे इंसान है, देखिए देश में प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर आप जाहिल प्रधानमंत्री बनाएंगे तो वैसे ही उल्टा सीधा होगा, जो मर्जी चाहेंगे। हिंदुस्तान में अभी क्या हो रहा है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर है वो फॉरेन मिनिस्टर का काम करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर का काम करते हैं, जो होम मिनिस्टर है वो जाके आपका आईटी का काम करते हैं, आईटी मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर का काम करते हैं, मतलब यहाँ कुछ भी करता है। और इनके प्रवक्ता देखिए संबित पात्रा, उनको इतिहास में बोलने बोलिए तो भाई वहाँ माहिर है, उनको ज्योग्राफी में बोलने बोलिए वो बोल देंगे, मतलब उनको कुछ भी टॉपिक दे तो बोलते रहते। तो बात असल में ये है कि राहुल गांधी से लोग बौखलाए हुए, राहुल गांधी से डरे हुए। एक होता है कि पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, यहाँ पे तो पार्टी को तो छोड़िए, राहुल गांधी एक इंसान से लोग डरे हुए कि राहुल गांधी को किसी से दबाव। हालांकि आप देखिए हिंदुस्तान में बहुत सेकुलर पार्टी है जो खुद को सेकुलर कहती है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां उन लोगों को बोलेंगे, जो इलेक्शन में राहुल गांधी से खुद को जोड़ना नहीं चाहते, खुद को दूर रखते हैं, अलायंस बनाएंगे तो बोलते कि नहीं राहुल गांधी के साथ नहीं बनाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं बनाएंगे, लेकिन देखिए राहुल गांधी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सच, राहुल गांधी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि सच बोलकर हम इलेक्शन हारने के लिए तैयार है लेकिन झूठ बोलकर जीतना नहीं चाहते। तो ये जुमलाबाजी जो, ये मोदी जी से बेहतर कोई नहीं। दो चार रोज पहले एक सवाल ये देखने को मिला कि पूरा लोकसभा को म्यूट कर दिया गया, मतलब 2 दिन पहले, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि 16 तारीख को, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब राहुल गांधी को बोलने की बात हो उसी वक्त लोकसभा को म्यूट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र तो खतरे में है, या लोकतंत्र खत्म? लोकतंत्र खतरा में है ये सबको 2014 के बाद से ही सबको पता है, ठीक है। आपने कहा कि म्यूट कर दिया,
तो राहुल गांधी ने क्या कहा था कि तुम पार्लियामेंट में म्यूट कर दोगे, मीडिया में हमको बोलने नहीं दोगे, मेरा न्यूज नहीं चलाओगे, लेकिन तुम जनता से बात करें मेरा जुबान को थोड़ी बंद कर सकोगे। तो इसीलिए तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किया। अब जब देखा कि राहुल गांधी को कहीं से रोक नहीं पा रहे, मीडिया में उनका बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया, उनका इमेज डैमेज करने की कोशिश किया, मीडिया में उनके खिलाफ कितना खबर चलाया, उनका पर्सनल लाइफ, उनको पर्सनली उनका अटैक किया गया राहुल गांधी जी को, उसके बाद देखा कि फिर भी राहुल गांधी नहीं रुक रहा। उसके बाद राहुल गांधी की तरफ जो लोगों का प्यार जो भारत जोड़ो यात्रा में दिखा, जिसमें बीजेपी का स्टेट जहाँ है वहाँ भी जिस तरीके से उनको जो 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 रिस्पॉन्स मिला, इससे बीजेपी पूरा बुखलाई हुई है, बीजेपी पूरा डरी हुई है। मैं आपको डंके का चोट मैं कह सकता हूँ, अगर पूरी अलायंस बने और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का फेस किया जाए तो राहुल गांधी इज द बेस्ट पर्सन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाजपा ने एक अलग तरीके के टैग से जोड़ दिया। अरे भाजपा जोड़ने से क्या होगा, भाजपा तो रविश कुमार को भी बहुत कुछ जोड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा देखने वाला चैनल उनका ही शो था। उनको जोड़ने से क्या होगा, भाजपा का काम ही है नफरत फैलाओ, इसको उसको झूठ फैलाओ, उनका और काम क्या है। तो सीबीआई ईडी चल रहा था, मगर आप जो है दिल्ली पुलिस चल रहा है। हाँ तो दिल्ली पुलिस कुछ नहीं, ये सब आपको क्या कहा, पवन खेड़ा को कुछ दिन पहले अरेस्ट किया, एयरपोर्ट से अरेस्ट किया, तो क्या चुप हो गया पवन खेड़ा? नहीं चुप होने वाले भाई, वो स्टेटमेंट दिया तो खराब है, तो फिर अमित शाह और मोदी जी से क्यों नहीं पूछा जा रहा? मोदी जी भी तो कहते कि 50 दिन बाद नोटबंदी फेल हो जाएगा, नोटबंदी फेल हुआ, फिर उसके बाद अमित शाह ने कहा कि भाई हमको जो है 15 लाख का, तो भी तो फेल हुआ। अगर आपको लगता है कि अगर मोदी जी से अमित शाह से कोई सवाल पूछते हैं किसी की हिम्मत होता तो आप ये वाला जुमला इस्तेमाल करते कि लोकतंत्र खतरा में है, पत्रकार बिक चुके हैं, नहीं करते। कहे कि मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, अगर लोकतंत्र खतरे में नहीं होता तो आजकल मोदी से भी सवाल होता, योगी से भी सवाल होता, अमित शाह से भी सवाल होता। अभी सवाल जो करने वाला था, आप देखिए रविश कुमार तो डर से इंटरव्यू नहीं देते, अब उसके बाद पूरा चैनल खरीद लिया, पूरा चैनल खरीद लिया। अब जो इंसान खरीदा उसका हालत इतना खराब है कि अब उसका कहाँ 3 नंबर से 14 ना 15 नंबर में आ गई है, उसका शेयर्स में कोई खरीद रहा है। अब देखिए जैसे पार्टी को कौन चलाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन चलाते हैं पार्टी को, पार्टी अब जब देखिए जो जो फंड करता है आपको, जो अदानी जिसका पैसा था आपका पार्टी चलता था, अब जब आपका असल में पापा वही हुए, तो जब उसका हालत इतना ख़राब है तो समझ जाए 24 में इसका भी हालत ख़राब होने वाला है। अब अगर मोदी जी अगर जीतेंगे तो उसका रीज़न एक ही होगा, कुछ कुछ सेकुलर दल है जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, वो लोग असल में बीजेपी का होकर काम करती है, तो वो लोग दलाली करेंगे, धोखा देंगे, गद्दारी करेंगे, तो फिर बीजेपी जीतेगा। बात बताइए, जो तमाम जो राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए गए लोकतंत्र को लेकर, तो क्या सच में राहुल गांधी कुछ मतलब के इतना सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, कुछ ऐसा लगता है कभी महसूस? सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्या, अब गांधी फैमिली का, अब राहुल गांधी को अगर सीरियस, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी ये सोचती है कि राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है तो शुक्र मनाओ कि बिना सीरियस होकर राजस्थान जीत गया था, मध्य प्रदेश जीत गया था, छत्तीसगढ़ जीत गया था, कर्नाटका जीत गया था। तो मत बोलो, अगर सीरियस होगा तो तुम लोग कहीं के रहोगे नहीं। शुक्र मनाओ कि अगर तुम्हारे नज़र में वो सीरियस नहीं है तो रहने दो ऐसा ही, अगर सीरियस उसको कर दोगे तो तुम कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं एक सीट तुम्हें नहीं मिलेगी। राहुल गांधी जब आज गाड़ी से आए तो लोगों ने कहा कि राहुल गांधी है सावरकर नाम नहीं है, गांधी उसका नाम है। तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी सच में कुछ मतलब कि अब जो है बोलना कम करेंगे या सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? ज़्यादा बोलेंगे अब राहुल गांधी, ज़्यादा बोलेंगे। देखिए कोई चीज़ को तुम जितना दबाओगे उसके बाद जब छोड़ोगे ना तो ज़्यादा उसका असर ज़्यादा होता है, और राहुल गांधी उनका नाम है। मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि साधारण पब्लिक नहीं है, पत्रकार बहुत है, तुम सबको खरीद लिए, रविश कुमार को खरीद नहीं पाए, वैसे ही बहुत नेता है, तुम सबको खरीद लोगे, राहुल गांधी को नहीं खरीद पाओगे। बहुत कांग्रेस का विधायक को खरीदे ना तुम, लेकिन राहुल गांधी को कहे नहीं मुँह बंद करा पा रहे हो। तुम तो बहुत के ऊपर ईडी सीबीआई लगाए, राहुल गांधी के ऊपर भी ईडी सीबीआई तुम लगाए, लेकिन राहुल गांधी चुप नहीं हुए, नहीं करा पाओगे तुम। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में एक नया सिलसिला ये शुरू कर दिया गया कि जितने भी विपक्ष के लीडर है सबके घर पे सीबीआई ईडी और तमाम तरह की चीज़ें भेजी जाती है, और सीबीआई ईडी के बाद अब दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से श्रीनगर वाले मामले में सवालों जवाब कर रही है, पूछताछ कर रही है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी ने जो कहा उसके लिए तो उन्होंने कहा कि हमें टाइम चाहिए, मगर मोदी जी ने, अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ ने कई सारे ऐसे वादे किए थे मगर जो वादा पूरा नहीं हुआ, कई ऐसे बयान दिए थे जो बयान पूरा नहीं हुआ, तो क्या उससे भी दिल्ली पुलिस सवाल करेगी? खैर यह असंभव है क्योंकि कभी भी जो है किसी बादशाह से सवाल नहीं पूछा जाता है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है और कांग्रेस उसको किस तरह से देख रही है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।